100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। टॉप 10 की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद। सुबह 11 से 3 बजे तक रहेगा भारत बंद। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। भारत बंद के चलते दिल्ली के कई बॉर्डर में बंद। प्रयागराज जहानाबाद में रोकी गई कई ट्रेनें। कई राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। केंद्र ने राज्यों को जारी किया एडवाइस। किसानों को लगातार सामाजिक बॉलीवुड सहित अन्य राज्यों के किसानों का मिला समर्थन। इसी कड़ी में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रदर्शन का किया समर्थन। आम आदमी पार्टी ने लगाए आरोप। सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। ट्वीट के जरिए पार्टी ने किया दावा। पीएके के बाद अब तुर्की आतंकवाद को दे रहा हवा। सीरिया के आतंकियों को कश्मीर भेजने की तैयारी में तुर्की। रिपोर्ट आया सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेना के रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन को चुना अमेरिका का पहला श्वेत रक्षा मंत्री। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका ने चीन पर कसा शिकंजा। हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर करने के मामले पर चीन के 14 वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाया गया प्रतिबंध। देश के नागरिकों के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद स्थिरता। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में आज नहीं की इजाफा। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का हुआ रद्द। दोनों टीम के खिलाड़ी कैप टाउन के आलिशान होटल में से रुके। होटल में कोविड-19 के कई मामले आए सामने। फिल्म आदि पुरुष को लेकर सैफ अली खान की टिप्पणी पर नेता सहित भड़के कई स्टार। नेता राम कदम के बाद पूरी तरह बरसे मुकेश खन्ना। ट्वीट कर निकाली भड़ास। तो फिलहाल इस टॉप 10 में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव 24।